आपकी कली, आपकी कली। आप? नहीं, मैं तो बस कुछ पैसे देने आया था। ये लो, ये रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ तो है यहाँ पे। देखो, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी जरूरतों से गाफिल रहा हूं, और फिर ये तो तुम्हारा हक है, रख लो, वरना मेरी जमीर को ठेस पहुंचेगा। That's very good news अगर तुम business में interested हो। अपनी professional life शुरू करने का ये बिल्कुल perfect work। इसीलिए आया था आपके पास। हाँ, ये तुम्हारा ही office है, तुम्हारी business है, जब चाहते हो शुरू कर सकते हो। Dad, मैं business करना चाहता हूँ, मगर अपना अलग से। Independently? That's not a bad idea। वैसे भी मैं एक्सपेंशन की सोच रहा था, तो इसी बहाने तुम्हारे लिए एक इंडिपेंडेंट सेटअप कर लेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू डैड, अगर मुझे आप ही का बिजनेस ज्वाइन करना होता तो मैं अलग से करने की बात क्या करता, यहीं आपके साथ ज्वाइन कर लेता। इशू आपका बिजनेस ज्वाइन करने में नहीं है, इशू ये है कि मुझे गारमेंट्स और लेदर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आना चाहता हूँ। रियल एस्टेट? एक बिल्कुल नया बिजनेस, और वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। मुश्किल काम है शाजी, बट आई लाइक द आइडिया। कंस्ट्रक्शन पोटेंशियल तो है। एक काम करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मेरे कुछ बिजनेस एडवाइजर्स हैं, उनसे मुलाकात करो, फिर देखो। मेरे बिजनेस पार्टनर्स डेकेड से इस बिजनेस में हैं, उनका एक्सपीरियंस मेरे काम आएगा, वही गाइड करेंगे मुझे। तुमने बिजनेस पार्टनर्स भी ढूंढ लिए? डैड, मेरा दोस्त है बहुत पुराना, उनका बहुत कामयाब बिजनेस है यहाँ और शारजा में, उन्हीं के साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, पर मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता। तुम अपने फ्रेंड की डिटेल्स दे दो, मैं इंक्वायरी करवा लूंगा। व्हाट डैड, वो मेरा बहुत अच्छा और बहुत पुराना दोस्त है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। बेटे, बिजनेस का पहला रूल, ट्रस्ट नो वन, ना ही अपने सगे भाई पर, ना ही सगे बेटे पर। देखो, मैं एक सेल्फ मेड मैन हूं, ये एम्पायर जो मैंने खड़ा किया है
अपनी मेहनत और एक तवील अरसे में बनाया है। तुम्हारे ट्रस्ट पर मैं ये सब दांव पर नहीं लगाऊंगा। जब तक मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं होता शाजिर, मैं तुम्हारे आइडिया में इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ? अम्मा जी, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आप ही का बनाया गया उसूल था ना कि कम से कम रात के खाने पर तो सब इकट्ठे हों, और फिर सहरी और इफ्तारी तो लाजिम है। बेटा देखो, घर वालों का एक साथ मिल के खाना खाना बहुत जरूरी होता है, बाहर वालों का नहीं। जब से तुमने ये दो लड़कियों को मेरे सामने बिठाना शुरू किया ना, मेरा तो दिल ही नहीं चाहता यहाँ आने का। अम्मा जी, क्या हो गया आपको? रमजान का महीना है अम्मा जी, रमादारी और मोहब्बत का, और फिर आप तो शिरी की अम्मी है, वो शिरी जो सारे मुलाजिमों के साथ इकट्ठे बैठ के ही रोजा खोला करती थी। बेटे, इफ्तारी में और कितना वक्त है? डेढ़, बस थोड़ा ही टाइम है, लेकिन आज मुझे लगता है कि इफ्तारी लेट हो जाएगी, क्योंकि आज आपकी बेटी किचन में घुसी हुई है। क्या परनिया? आज उसे इफ्तारी बनाने का शौक चढ़ा। अरे उसे किसने जाने दिया, कहीं हाथी ना जला। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी उम्र की थी जब उन्होंने पहली दफा कुछ बनाया था। अच्छा। शमीर लो बेटा, चखो शमीर। जी जी, थैंक यू। हैरत की बात है, लेकिन इसके हाथ में बिल्कुल शिरी के हाथ का जायका है। अम्मी जी, सुगरा का इनाम बनता है। डैडी, ये मुझे सुगरा अपने बनाना नहीं सिखाया, बल्कि तो मुझे कनीज आंटी ने बनाना सिखाया। आप इन्हें इनाम नहीं देंगे? आओ बेटे, बैठो इस पे। चलो चलो बैठो। हाँ जी, वो जरा चाट मसाला देंगे। कहाँ आ रही हैं? आपको बाहर चौकीदार ने रोका नहीं? हाय हाय, केड़ा चौकीदार, घर में आ रहे हैं? हैं ओ जेड़ा चौकीदार है ना, मच्छर जो तो मेरे एक चपेट दी मार है। ए मेरे जुआई दा घर है। रुक जाए, हैं रुक जाए। कौन जमाई, किसका जमाई, आप कौन है? अम्मा जी, मुझे लगता है आप किसी गलत पते पे आ गई हैं।
अगर हमारी अम्मा बेगम को पता चल गया ना तो आपको पुलिस के हवाले करवा देंगी और हमारी नौकरी भी जाएगी। चले निकले यहाँ से, निकलो। लो जा, है? पुलिस के हवाले करने वाली बड़ियाई, पहले तो तू ये बता अम्मा किसको कहा है, है? फिर अपनी बुला अम्मा नु, मैं उन्हें पूछा कि अपने मुलाजमा को तरीका नहीं सिखाया मेहमाना दे इस्तकबाल दा। कौन मेहमान, किसके मेहमान, बिन बुलाए मेहमान? मुझे अच्छी तरह से बताया, आप जैसे लोगों का घर में घुस जाते हो फिर चोरियां करते हो। दादी हमें चोर कह रही है। दी ते मैं चोर कह रही है, जितनी नाल दी खातिर करांगी चोर कह रही है। है अरे रजिया, बुला रजिया चौकीदार। हां सरदार नु फोन, अरे बुला बुला तू अपनी फौज नु। हाय मेरी तीर आई। बैठी हूं मैं। ठीक हूं मासी। आप अर्जू खाला, आपकी जो नखरानी है ना, मैं चोर कह रही थी, इसने तो दादी को धक्के भी दिए। मार मार। मुझे क्या पता ये आपके रिश्तेदार है, शक्ल से तो ये बच्चे उठाने वाली लग रही है। बच्चे चुप करो, मैंने कहनी है। मासी मासी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ की नौकरानियों को तो वैसे ही सबने सर पे चढ़ा रखा है। चलो तुम मेरे कमरे में। अनु देना है, लेके आएगी। दे बच्चे चुप करते आए, मैंने तुम वहां ये खबर तो अम्मा बेगम को जल्द से जल्द देनी चाहिए। नानू मुझे डैड के एटीट्यूड पे हैरत हो रही है। मैंने हमेशा उन्हें फ्रेंडली और कोऑपरेटिव पाया, बट इस दफा उन्होंने मेरी पूरी बात सुने बगैर ही इनकार कर दिया। तुमने अपने बाप को हमेशा मेहरबान और फ्रेंडली देखा है ना, लेकिन एज ए बिजनेसमैन वो बहुत सख्त और उसूल परस्त इंसान है। तो मैं कौन सा उन्हें कोई गैर कानूनी और गलत काम करने को कह रहा हूँ, बस अपना अलग से एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, इसमें गलत ही क्या है? और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, कभी स्टडीज में भी अपनी मर्जी नहीं ठोसी कि कभी ये कर लो या वो कर लो, तो बिजनेस में ही क्यों? तुम समझे नहीं, उसे इस बात से इतराज नहीं है कि तुम उसका बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहते, वो सिर्फ ये चाहता है कि जल्दबाजी में उसका कोई नुकसान ना हो जाए। नानो मैं तो बच्चा थोड़ी हूँ, मेरा वो बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है, हमने कई साल हॉस्टल में इकट्ठे गुजारे हैं और उसकी फैमिली से भी मेरा मिलना जुलना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर डैडी उसकी फैमिली के बारे में इंक्वायरी करेंगे, पर अगर उसके नॉलेज में ये बात आई तो वो माइंड करेगा। आप प्लीज डैडी को समझाएं। अच्छा बेटा, अम्मा बेगम, अम्मा बेगम वो क्या है सुगरा, कोई ना कोई मसला लेके खड़ी हो जाती हो तुम, अब क्या हुआ है? अम्मा बेगम बात बताना आपको बहुत जरूरी थी, अगर आपको बाद में पता चलता तो आप मुझ पे ही गुस्सा करती। ओहो हुआ क्या है? ये देखो हम क्या क्या लेके आए हैं आपके लिए, हैं? ए लती रानी तेरे वास्ते। वाह मासी, ये सब हमारे लिए? ते होर महल्ले वालों के लिए थोड़ी लेके आए हम। की होया? जे मेरा प्राण वर नहीं रहा, कोई गल नहीं, पेका थोड़ी जड़ गया तुम लोगों का है। और वैसे भी मुझे तो पता था कनीज की शादी के बाद ये पहली पहली ईद है, तो सुगाते आनी नहीं थी, मासी ने लेके नहीं थी आनी है। क्या मासी, अब्बा के जाने के बाद हमारी क्या ईद और क्या शब रात? बाजी ऐसे नहीं कहते, अल्लाह नाराज होता है, मरने वालों का सदमा अपनी जगह, लेकिन ईद तो अल्लाह की दी हुई खुशी है ना। लेकिन मासी इतनी सब चीजें लानी क्या जरूरत थी, बस खुद आ जाती, प्यार से सर पे हाथ फेर लेती। मैं नहीं जानती कि ये सब चीजें लाने के लिए यकीनन आपने कुछ ना कुछ बेचा होगा। कोई गल नहीं तीरानी, हम सफेद पोश लोग जो होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, तू तो नहीं जानती होगी तो कौन जानता होगा। हम चीजें बनाते इसीलिए कि जब बेटियों को जरूरत पड़े तो बेच दें। मैं भूल ही गई वखाना, अपने जवाई वास्ते मैं जोड़ा लेके आई हूं, वेख ते सही, दस ते सही कदों आ रहे दफ्तरों। मानो तुम बताओ, तुम मुझे याद नहीं करती? हाँ बहुत याद करती। अरे
इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी कि अब तुम मेरे कमरे तक आ गई हो? नहीं, वो मैंने सोचा कि सुगना आपा के हाथ भेजूंगी तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं खुद ही ले आई। क्या है? वो मासी आई थी ना सुबह गांव से, वो ही लाई है। देसी घी के बने लड्डू हैं, इसमें सौंफ भी है और शक्कर भी। आपके घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। मेरे घुटनों के दर्द के बारे में तो पता है तुम्हें, ये नहीं पता कि मैं शुगर की मरीजा हूं? जो ये शक्कर भरे लड्डू मुझे खिलाने आ गई हो ताकि मैं बिल्कुल ही बेड की होकर रह जाऊं? नहीं नहीं, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं बिल्कुल भी ना लाती। तुम एक ही दिन में सारे गांव वालों को क्यों नहीं बुला लेती? एक एक करके सबका आना शुरू हो गया है। वो सुबह होते ही चली जाएंगी, असल में उनकी नजर कमजोर है तो रात में उनका सफर करना ठीक नहीं है। वो सुबह पहली बस से ही चली जाएंगी। मोटा सिरगट मूछ लाया तू? पुत्र गल सुन, साडे वक्त च ना छोटे वड्डियां दे सामने सूटे नहीं सन लांदे। मान गए, मेरी गल सुन, मेरा मतलब है कि सिर्फ मेरे सामने नहीं पिछे भी नहीं पी दी। हुन तू कोई मुंडा खुंडा ते है नहीं है, उम्र तेरी खासी हो गई है ते सेहत दा ख्याल करी दा, सेहत दा ख्याल करी दा इस उम्र तो। जी मेरी गल सुन, तू गल सुन ना मेरी, तू कनीज नु मेरे पिंड जरूर लेके आना जे हो। जी जी जरूर जरूर। वैसे शादी के बाद तू मेरे पिंड क्यों लेके आएगा, किधर और लेके जाएगा ना? की ये हेलो, हां सफीना बोलो। कौन? नहीं नहीं, बिजी बिल्कुल नहीं था। अरे लो चले गया, की पी क्यों रहा? माने सिप, ए पी पी ए डबल पी एल ई। प
पढ़ने का बहुत शौक है। वो परनिया है ना, आजकल अंग्रेजी पढ़ा रही है मुझे, तो मैं तो बस वो ही दोहरा रही थी। अच्छी बात है, पर तुम्हें नहीं लगता कि रात के 1:30 बजे और ये ठंडा कॉरिडोर पढ़ाई के लिए मुनासिब जगह नहीं है? अपने कमरे में क्यों नहीं जाती? क्या बात है, सच सच बताओ। देखो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं बार बार बात दोहराने का आदी नहीं। मासी है अंदर। ओ तो अंदर जगह नहीं है तो फिर पहले कह देती, मैं सोहरा से कहता वो दूसरे कमरे का इंतजाम करवा देता। नहीं नहीं नहीं। तो फिर उनको लग रहा था कि मेरा कमरा नहीं है, वो बार बार मुझे कह रही थी अपने कमरे में जाओ, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ, मैं इससे बाहर आ गई। फिर आओ मेरे साथ, आओ। आ जाओ, मैं कह रहा हूं ना आ जाओ। जी वो मैं फिर से बीमार पड़ना चाहती हूँ। मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, मैं उनसे कह दूंगी कि अपने शोहर से फिर से लड़के आई हो, ताकि तुम्हारी मासी यहाँ आए, मुझे समझाने की कोशिश करे, सुलह सफाई करे। कोई जरूरत नहीं, अब चुपचाप यहां लेट जाओ, वैसे भी सुबह होने में कितनी देर है। शाबाश, लेट जाओ।
सुबह सुबह कनीस किधर चली गई है? मानो कनीज कहाँ गई है? तेरे साथ सो रही थी ना? ए मानो बता। नहीं आरजू, की मेरी नींदर दा बेड़ा गरक कीता की स्यापा पाया सवेरे सवेरे। मासी वो कनीज पता नहीं किधर चली गई है, तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी, तुझे बता के गई है? पागल हो गई, किथे जाना उन्हें, अपने कमरे च होगी सुती होनी उथे। अपने कमरे में आते हो सारी रात खेलती रही है काकियों के साथ, जागती रही है। तू तो शाम से पढ़ के सो गई थी, तुझे क्या पता हो? मैंने उसे जबरदस्ती कमरे में भेजा कि उसका खानदान इंतजार कर रहा हूँ। जा हूँ जा, मेरा पीछा छाड़ दे, मैं नींदर पूरी करन दे, पागल खानी जा नींदर भी नहीं पूरी कर ना। उठ गई तू? आज तो खाली ईद मुबारक। हाँ आज तो ईद हो गई वाकई, है ना? तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं, मेरी जीत मेरी हार बस अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा जीते रहो। ईद मुबारक। खैर मुबारक, जीते रहो। आओ बैठो, बैठो। अम्मा जी आज मैंने तय कर लिया कि पूरा दिन आप ही के साथ गुजारूंगा। अब आपको मुझसे शिकायतें हैं तो मैंने सोचा कि पूरी तरह अजाला हो जाए। कैसी शिकायतें बेटा, और सिर्फ मेरे साथ ही वक्त क्यों गुजारोगे? बच्चों के साथ भी टाइम गुजारो ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उन्हें डिनर पे ले जाओ आज।
परनिया भी खुश होगी और तुम्हारे और शाजिर के दरमियान जो सर्द महरी है वो भी दूर हो जाएगी। ऐथे मर मैं कहनी ऐथे आ इधर आ इस करके जहर लग रही है यही तेरा ठीठपना जड़ा है ना है ये तेरे अगे आता तो शर्म नहीं आती। ईद का दिन है तेरी भैन की सस है जा जाके को सलाम कर को ईद मुबारक है तो चोटी नहीं पै जाएगी जब दफा। ईद का दिन अगर उसने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी बात की ना तो फिर देखना तू। हाँ तो फिर क्या देखना एडी दूर दूर क्या देखना ज्यादा दिमाग ना खराब कर जाके सलाम कर नहीं तो मैं तेरी ईद खराब कर दांगी। चल 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 मैं टिक्का दे दांगी चल वड्डी आई हीरोइन मैं नहीं जाना। बेवकूफ है वो अम्मा जी वो समझता है मैं उससे नाराज हूँ क्योंकि वो बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहता और इसीलिए उसे सरमाया नहीं दे रहा जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस यही नहीं चाहता कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज में ही वो किसी पर अंधा भरोसा करे। अम्मा जी उसे बिजनेस के उसूल सीखने होंगे और बिजनेस का पहला उसूल है जांचना और परखना उसके बाद किसी पर भरोसा करना। ठीक है लेकिन उसे नाराज करके तुम भी तो खुश नहीं हो। चलो ज्यादा ना सही कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके उसका बिजनेस तो स्टार्ट करा दो। अम्मा जी ज्यादा या थोड़े की बात नहीं है 2 करोड़ 20 करोड़ बात उसूल की है अम्मा जी उसे बिजनेस के उसूल सीखने ही पड़ेंगे। जिंदगी भर ऐसे दोस्तों को फॉलो करता रहा तो जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे भी आजकल तुम मेरी ज्यादा कहाँ सुनते हो। मैं तो ये कह रही थी कि जवां खून है जज्बाती है और छोटी सी बात पे तुम दोनों के दरमियान ये टेंशन हो गई है उसे दूर कर दो। अम्मा जी आप फिक्र ना कीजिए मानो ओए उठ जा ईद का आधा दिन गुजर गया है घर भी पहुंचने देर हो रही है। ओ हाय कनीज ए तू की पाया होया इतने पहले दिन। नहीं नहीं मासी वही जोड़ा तो पहना है जो आप मेरे लिए लेके आई थी। आए मैं मर गई चलिए कोई है जोड़ा ते मैं पेके दा मान रखने वास्ते लेके आई सा। ए तेरी शादी के बाद पहली ईद है तुझे आज वो जोड़ा पहनना चाहिए था जो तेरे खान ने तुझे दिलाया होगा। तुम्हें चूड़ी कैसी लगी? ओ छड़ दे दी बां उठ जा मानो तू विच पाकी गई है कुर्सी से उठ देर हो रही है। नहीं दादी अभी तो मैंने खालू से ईद ही मिलनी है उनसे ईद लेनी है। खालू? हाँ आपके दूल्हा दादी मैंने उनसे ईद मिलनी है। छड़ दे ती रानी वैसे भी हमें देर हो रही है और इसकी सास का मुंह भी बना हुआ हमें देख के है। ओए बड़े लोग हैं पता नहीं हमसे मिलके खुश हो ना हो चल चलिए उठ जा कनीज मासी दे जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आई मेरे को है अच्छा साहब ये कोरियर आया है। कोरियर ठीक है थैंक यू। शाहमीर अफंदी सफीना ईद मुबारक। खैर मुबारक सफीना पहले ये बताओ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान इतना तकल्लुफ कब से होने लगा कि अब ईद का प्रेजेंट तुम मुझे कुरियर करोगी खुद नहीं आ सकती थी देने। और तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया ये कनीज के लिए है। ओ अच्छा तो ठीक है मैं भिजवा देता हूँ। भिजवा देता नहीं हूँ बल्कि खुद जाओ मुबारक देकर आओ और उसे बोलो कि ये प्रेजेंट तुम्हारी तरफ से है। मुझे पता था कि तुम्हें खुद तो तौफीक होगी नहीं और ना ही ख्याल आएगा कि ईद है उसे नए कपड़े चाहिए और किसी और के दिए हुए नहीं बल्कि तुम्हारे दिए हुए। पर तुम तो जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। शामिर मैंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहा भी नहीं है
मैंने सिर्फ ये कहा है कि उसे ये मत बताना कि मैंने भेजा है। अगर किसी की खुशी के लिए सच छुपा सकते हैं ना, तो उसे छुपा देना चाहिए। ठीक है सबीना, थैंक यू। शामीर बहुत बदल गया है, रोज कुछ ना कुछ कर रहा है जिससे मुझे हैरत के मारे यकीन ही नहीं आता। अभी तो आपको असल बात हैरानी वाली पता ही नहीं है, जब आपको वो बात पता चलेगी तो क्या हाल होगा आपका? क्या हो गया? अरे कुछ ना पूछिए। आपकी कनी, आपकी।